दिनांक 27/5/2019। खरगोन, दिल थाम कर देखिए उस ठग को जिसके निशाने पर होते हैं मंदिर के पुजारी। ठगी का देखिए अनूठा तरीका, सावधान आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार। आज हम आपको ठगी का ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसमें ठग ने दिखाया बंगाल का काला जादू। तो दिल थाम कर देखिए उस युवक को जिसके निशाने पर होते हैं मंदिर के पुजारी। जी हाँ, मामला आधार जिले के धामनोद का है, जहां एक अज्ञात युवक ने महादेव मंदिर के पुजारी लालचंद शर्मा को ठगी का शिकार बनाया और करीब 80,000 रुपए की सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ करने में कामयाबी हासिल की। वही युवक का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दिन दहाड़े ठगी का शिकार हुए लालचंद शर्मा ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी चतुराई दिखाकर मुझे ठगा है। वही पुलिस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को बेनकाब करने का दावा पेश कर रही है। बहरहाल जो हो, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस ठगी की घटना को देखकर आप सोच सकते हैं क्या आप सुरक्षित हैं। एमपी यूज कास्ट की इस खास पेशकश का मकसद है कि कहीं ठगी का अगला निशाना आप तो नहीं बनने जा रहे हैं। जिला खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। सर, जो कल घटना हुई इसमें कहां तक जांच पहुंची सर, अभी क्या कार्रवाई चल रही? पुजारी लालचंद शर्मा की घटना घटी है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा घटना घटित करना पाया गया। उसकी तलाश करते सीसीटीवी फुटेज में उसके चेहरा दिखाया है, उसकी तस्दीक की जा रही है। तस्दीक करने पर सर पता लगा कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी का चेहरा दिख रहा है। सर चेहरा दिख रहा है, तो पुलिस जांच अभी जारी है सर? जारी है। सर आपका शुभ नाम? निरीक्षक सुरेंद्र थाना दामा। घर पे मंदिर के मंदिर में पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद में 10 बजे करीब एक अज्ञात आदमी आया और बोला कि वो मेरी माँ को 5-6 महीने पहले मैं लाया था, तो वो आपने आशीर्वाद दिया था, तो उनको बोला आराम पड़ गया, इसलिए मैं 21,000 रुपये यहाँ मंदिर में चढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मंदिर में चढ़ा दिया मत हो कि नहीं, वो आप जो है कोई सुहागन भाई की कुछ भी सोने की रकम वकम कुछ भी ऐसी ले कर मेरे माथे का आशीर्वाद दे दो। तो बोले उस आशीर्वाद से मैं घर चला जाऊँ। मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ मेरा घर में शांत हुए कहाँ। तो मैं पड़ोस में किराएदार रहते थे, वो भाई यहाँ खड़े थे, भाई से मैंने पूछा कि भाई ऐसी से बात है, मैंने मेरे 2 चूड़ी ला के दे दी। मैंने वो चूड़ी लेके उसके माथे पर रख के मैंने कहा भैया हो गया आशीर्वाद जा। फिर उन्होंने मेरे हाथ में चूड़ी ले ली, वो 21,000 ले लिया और एक कपड़ा ले लिया और वो मंदिर के सामने उसके नीचे उन्होंने रखा नहीं रखा, भगवान जी ने कपड़ा ढाँक दिया। अब मैं समझा उसके कपड़े के नीचे होगा, अब बाद में वो जाता हूँ, वो चला गया। मैंने जैसे कपड़ा उठाया ना तो चूड़ी थी ना पैसे थे, मैं दौड़ के भाग के गया इधर में, वो चला गया। फिर मैं गया थाने में, गया थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई, फिर सब हमें फुटेज वुटेज देखा कर ये घटना घटी। किस तरह का दिखने का था लड़का? वो यंग लड़का था, ये मुसलमान से मुसलमान हो या ईरानी हो ऐसा था, मतलब जब लड़का जवान तो 25 साल का। पहले कभी ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है इस गली में? नहीं नहीं देखा। शायद पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है इस कॉलोनी में? हाँ हो गई, हम अपना मान पड़ोस में सरदार जी के यहाँ हुई थी घटना, वहाँ भी 2-1 लाख रुपए के वो करके चला गया।